सपने जो संसार, सपने जो संसार, सपने जो संसार। अवर सगल मिथ्या
मन की मन ही माहे रही, मन की मन ही माहे रही। नार पजेला तीरथ से
असा जोर नहीं जे किछ कर हम साके जो पावे दिल बख्श जो पावे दिल बख्श मेरे हर जियो सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस सब को तेरे वस सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस एक मन मुख करे सिरोवे हर की वटे आई हो आख ना साफ हम रख मुकुट निचाड़ो हम रख शरणागत पया जान सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नहीं कर हम साथ असा जोर नहीं कर हम सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस मेरे हर जियो सब को तेरे वस
माँ जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मिल मेरे प्रीत माँ जियो, तुद बिन खरी निमाणी। नानक का मन सदा सुहागन।
बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीत माजियो तुद बिन खरी निमाणी मैं नींद न आवे जियो पावे अन्न पानी पावे अन्न पानी मिल मेरे प्रीत माजियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीत माजियो तुद बिन खरी निमाणी देही के संग रहते देही के संग रहते सुरत माहे सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते कथा वार्ता कहते बाबा बोलते गगन नगर एक बूंद ना परखे नाद कहां जो समाना पार बजा मन हारो कहां गयो जिले मंदर की ना
श्रमनन बिकल पै संग तेरे इंद्री का बल थाता। श्रमनन
लश्कर करे सुआ। Thank you.
के ओंकार सुगुरु प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज से मन बचिया वनाइया राग रतन परवार शब्द गावणिया खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम जियो पिंड सब भगवंत सगल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास
अरदास एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। हिर अंगद गुर ते अमरदास राम दसें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध्यावै ताए। सब थाई होय सहाय दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी। सब थाई होय सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी का वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित्यावे चित्यावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा साहेब। तहां तहां रशिया रियाय देख देख फदे बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहदान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदारे ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो निमाणिया दे माण नेताणिया दे तान। प्रगटे श्री गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर। दीन दुनिया दे मालिक साहिब श्री गुरु तेग बहादुर नौवें पातशाह आप जी दे शहीदी अस्थान। गुरद्वारा श्री रकाबगंज साहिब विखे भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आप जी दे पावन वाक हन जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए। कल्लह आवह नानका सदे उठी जाए दे महावाका अनुसार। सरदार अजीत सिंह जी सेहरा संसार ते आए सन संसारक यात्रा करदिया प्याना कर गए। जिन्हें आप जी ने स्वास बख्शिश किते तिना दी आत्मक कल्याणता लई तिना दा समूह परिवार अते धर्मसपत्नी बीबी कमलजीत कौर सेहरा
तिना दा बेटा सरदार अशमीत सिंह जी सेहरा सेहरा परिवार वालों पातशाह जी आप जी दे पावन दरबार अंदर दीवान सजाए गए सज्जियां दीवाना विच इलाही बाणी पढ़दियां सुनदियां कीर्तन करदियां होइयां भुल्लां बख्श लैणियां विछड़ी रूह नूं अपने चरणां कमलां विच निवास परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भौजल फेरा दे महावाका अनुसार सतगुरु जी विछड़ी रूह नूं अपने चरणां कमलां विच निवास सखे संबंधे अते परिवार नूं सतगुरु जीओ भाणे विच रहण दी समर्था बख्शिश करनी परिवार वालों आप जी दियां बख्शियां दातां चों कड़ा प्रसाद दियां देगां हाजर दर परवान समूह संगतां सेवकां दी अरदास सतगुरु जी सब दी यात्रा सफला कारज रास करो पावन हुक्म बख्शिश करो हुक्म अनुसार चलण दी समर्था आप बख्शिश करनी जी सही प्यारे मेल जिन्हां मिलियां तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की दोहरा आग्या पही अकाल की तवै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोचा है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे ना खुआर होए सब मिलेंगे बचे ठीकर फोर दिल्ली सिर प्रभ पर किया प्यान तेक बहादुर सी किरिया करी न किन्हू तेक बहादुर के चलत पयो जगत कोशो है सब जग भयो बोले सो निहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुर प्रसाद चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गायले छाड़ सगल जंजाल सुख टल गुर सेविय अहनस सहज सवाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए तन वाहे गुरु साहेब जीओ तनासरी महला पंजवा जाको
हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिनै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिनै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणे पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग, रहाओ जान के चरण वसै मेरा ही अरा, संग पनीता देही, जान के तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुख एही, जान के चरण वसै मेरा ही अरा, संग पनीता देही, जान के तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु सवारी साध संगत, राणा राव ना को रह, रंग ना तोंग फकीर, वारी आपो अपनी, कोई ना बंदा तीर। सो इना महावाका मुताबक दर कर दे प्रीतवान सरदार अजीत सिंह जी सेहरा, इस फानी संसार तो कूच कर गए है। उन्हां दे समूह परिवार वालों आपां सजाए हुए गुरमत समागम, अंतम अरदास समागम उन्हां विच हाजरियां भर रहे हैं। सारिआं ने ही सरदार अजीत सिंह जी सेहरा उन्हां दी आत्मक कल्याणता वास्ते अरदास कीती है। सतगुरु पातशाह महाराज कृपा करन, रहमत करन, पावन गुरबाणी दे विच वड्डे चार दुखां दा वर्णन, सब तो वड्डा दुख विछोड़े दा दुख, जिन्ना लम्मा विछोड़ा उड्डा वड्डा दुख। पर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने सानू पावन गुरबाणी का सहारा दिता है। ज्यों मंदिर को थम है थमन, त्यों गुरु का शब्द मन है अस्थमन। सो गुरबाणी की टेक, गुरबाणी का ओट आसरा परिवार वास्ते, संबंधियों वास्ते। सो सरदार अजीत सिंह जी सेहरा उन्हां दी मिठी याद विच दिल्ली दियाँ जिथे आम संगतां परिवार संबंधी, उत्थे बहुत सारिया जथेबंदियां दे मुखी, बहुत सारे पतवंते सज्जन हाजिर होए है। सो अगले समय वास्ते परिवार वालों आप जी दे सामने कुछ बेनतियां सरदार अरविंदर सिंह जी स्टेज ते आउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
पैंती महापुरखों को समर्पित नौवें पातशाह धन साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन शहीदी स्थान हाजरा हजूर युग युग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चादर चादर ते मालक पंचो साह संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। है तो बहुत दुख की गल कि साडे सत्कारयोग सरदार अजीत सिंह जी सेहरा जो कि मौजूदा समय में चेयरमैन रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक तो नॉमीनेटेड सदस्य एम सी डी तो आम आदमी पार्टी तो उत्ते बहुत प्रचोलता मिलती है। सो साहिब पंचम पातशाह इस गल नू बहुत खोलते हैं कौन मुआ रे कौन मुआ मिल ब्रह्म ज्ञानी करो विचार ये तो चलत पया कि कौन मोया है कोई संसार दे विच 1964 की डेट ऑफ बर्थ है अजीत सिंह सेहरा दी पर जे गुरमत अधारियां ते साहिब जी नू मिशनरी कॉलेज के पिछे हठ ग्रंथी साहब बैठे ने ये जीवन उदों का है जदों की यह ब्रह्मांड बनया है तो उदों का ही जीवदा है। मात के गर्भ विचों जन्म लेना मौत तू पर्टिकुलर गिनती दे विच नहीं ले आया सासदा तू उदों तो सी जदों तू उस विर दे विच सी उस विर दे विच सी। कहिंदे कौन मुआ ये परिवर्तन कुदरत का नियम है जिते हजूर पातशाह कहिंदे ने चुपाई दे विच अंडज जे रज सित जकीनी उत्पज खान बहु रच देनी इत्थे चार गल्लां ते मोहर लगती है इस संसार दे विच जीवन आउण दे विच। उस तो बाद साहिब पातशाह फिर कहिंदे ने मौत भी दो तरीके की है कुदरती ते गैर कुदरती। गैर कुदरती दे विच मर्डर अचनचेत मौत एक्सीडेंट दूजियां मौतां सुभाविक तौर ते जो पंचम पातशाह फिर कहिंदे ने नैनो नीर पाहे तन छीना पाहे किस दुधवानी रुंदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे पर यह अवस्था है मौत दे वल वधन दी। पर संसार दे विच कई ऐसियां अनगोलियां गल्लां हो जांदियां जदों सुभाविक उस मौत दे पक पहर तो पहला जाना पै जांदा फिर वह दुख का विशा बन जाता है। कई सज्जन मैनू कहिंदे भी उमरां ते पहला 100-125 साल पहला आदमी भुगतदे रहे ने हुण क्यों नहीं। पर साह संगत हुण जमदे बच्चे ते चार चार तां टीके लग जांदे ने वैक्सीन जिहनूं तुसीं कहिंदे हो फिर खाण पान आदक होर कई समस्या क्योंकि गुरु नानक का यह दर है इतने जिम्मेवारी थानू आप लैनी पैनी है अपने उत्ते क्योंकि ये मनना है मनन चाहता है कि गुरु साहब जड़े ने परमात्मा परमेश्वर कण कण च नहीं वसदा कण कण ही परमात्मा है रब है तू भी उस रब का उस ब्रह्मंड यूनीवर्स का हिस्सा है। लखा खंडा ब्रह्मंडा दे विच तू भी एक 70-80 साल 100 साल की जिंदगी का हिस्सा जीवन वास्ते आया तू यो जे काम कर ताकि लोग तेनू याद रखन। जदों सुभाष नगर हरिनगर सिरा साहब के संस्कार ते गए उत्थे बेअंत दुनिया राजनीतिक हस्तियां रिश्तेदार साहबान यार दोस्त मित्र और उन्हां दी तादाद तो ज़्यादा तादाद वो सी जिन्होंने सिरा साहब ने जिंदगी दे विच उन्हां अहुदियां ते रह के उन्हां दे काम सवारे होणगे। मैं बथेरी वार संस्कार दे उस पल दे विचों निकलिया देखिया कि जदों आदमी गल एक दे एक मूँह दे उत्ते गल हुंदी आ सिरा साहब बंदे बड़े चंगे सी कोई किसी दे काम नूं मना नहीं कीता भावें किसी ने आवाज बेवक्त वक्त देती होवे तामी उस काम नूं उन्होंने करन वास्ते कदे पिछे नहीं हटे। तुहाडी बहुतात गिनती इस समय ते पहुंचन दा इह सबूत है कि सिरा साहब अपनी जिंदगी का लाहा सरमौर तौर ते खट के गए ने। इहो जिहियां मौतां इहो जिहे जाने पिछे कहानियां कसीदे कढ़न वास्ते रह जांदियां ने क्योंकि जिन्हां ने कुछ कीता होवे उहदे ते भाई लालो की बरादरी का माण होर वधाया अजीत सिंह सेहरा ने
जो कि कौम के उगे अहद्या रह के सेवा की है। सतगुरु जी कृपा कर बख्शिश कर, क्योंकि जो उपजियो सो बिन सह परे आज अकाल, नानक हर गुण गाय लै छोड़ सगल जंजाल। किड़े जंजाल की गल की है? ये जंजालों की गल नहीं की, उन्होंने जलदा की गल की है जिन्हें तू बकारियों तो रहत रह के कि कौम ले सचता परिवार ले समाज ले बरादरी ले धर्म ले कुछ कर, जेडे होर तेरे विकार ने वो तेरा जंजाल बन जाते हैं। क्योंकि जो उपजियो सो बिन सह, जिन्हें आना है उन्हें चले ही जाना है, भावें वह मैन माइंडेड चीज़ा ने दिमाग तो बनाई हुई ने। तुसी गड्डियां नू भी लै लो, भी साल पचास साल सौ साल रख तुसी रख के देख लो, खत्म हो जाती ने, शरीर ने भी खत्म होना है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार, ए तो चलत पाया। कितने जीत सिंह सिरा गया थोड़े किते है, कितने जीत सिंह सिरा उस कण उस ब्रह्मांड दे विच है। हुण अशमीत सिंह सिरा उहदा परिवार उहदा अंश ही है, उहदे विरत जी है। लोड़ है सानू समाज दे विच उच्च शख्सियत उस उगे दे पहुँचन तो बाद समाज में चंगी सेध देने का साढ़े प्रति जिम्मेवारी रह जाती है। साढ़े विच बहुत ही सत्कारयोग राजनीतिक हस्तियां धार्मिक हस्तियां पहुँचियां ने। मनजिंदर सिंह जी सिरसा साहब प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा, जो कि वह भी हुण कुछ समा पहला इतों चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने लखीमपुरी कुछ किसानों का मसला है और सिंधु बार्डर के भी कुछ किसानों के मसले के उन्होंने जाना करके जरूरी रुझेवियां करके उन्होंने भी संदेश दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो पहुँचा है। सो सबका प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी जी के वह भी पहुँचे सन, वह भी मेरे पास अपना शोक संदेश दर्ज करा के उन्होंने भी किसी काम काज जाना सी। और साढ़े विच एक होर सबका प्रधान परमजीत सिंह जी सरना और मौजूदा सबका मौजूदा प्रधान श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सरना वो भी पहुँचे हैं। दयाना चंदेला जी जो साढ़े विष्णु गार्डन तो MLA उन्होंने तरन संपत्नी धनवंती चंदेला जी MLA वो भी पहुँचे हैं। जरनैल सिंह जी साढ़े एक्स MLA जो कि रामगढ़िया के बहुत उगी सोच पतत रखते हैं, और तरसेम सिंह जी धर्म प्रचार कमेटी के जो कि बहुत ही सूझवान जिन्ह के कौम को बहुत देन है, और मैंबर साहबाना के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो साढ़े ही अपने ही हल्के तो पहुँचे सरदार हरजिंदर सिंह जी, सतिंद्रपाल सिंह जी नागी जी, सरबजीत सिंह जी विरक, महेंद्र सिंह जी पुलर फ्रॉम मानसरोवर गार्डन, और गुरचरण सिंह जी गतका मास्टर जो कि बहुत पुरातन मैंबर ने और सिरा साहब के बहुत निकटता संबंध उन्होंने ने, गुरचरण सिंह गतका मास्टर, नरेंद्र सिंह जी मठारू डायरेक्टर साहब और प्रधान श्रोमणी सिख संगत विष्णु गार्डन, सरदार हरजीत सिंह जी मैंबर वार्ड शाम नगर तो भी साढ़े पहुँचे ने, और मैं बाकी नाम थोड़े बाद च लवागा। मैं पहला बेनती करा साढ़े बहुत सत्कारयोग हस्ती पहुँची है सरदार परमजीत सिंह जी सरना प्रधान श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वो भी दो मिनट लई। सरदार अजीत सिंह सेहरा जी दे मैं श्रद्धा के दुफल अर्पित करे प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना। परम सत्कारयोग गुरु गुरु साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। महाराज का फरमान है, मरण लिखाए मंडल में आए, सबना सोरे वंजना सब मुकलावन हार। सरदार अजीत सिंह सेहरा की उम्र का मैं हूँ पता चलिया, बिल्कुल 56 साल की उम्र चो गुरु चरणा जाके विराजे हैं। तकरीबन 12 साल पहले मेरा उन्होंने मेल मिलाप सरदार तरसेम सिंह उन्होंने ने कराया सी, ते सरदार दविंदर सिंह बैठे इन्होंने कहा सी बहुत बेहतरीन इंसान हैं, और मेरे वेखद्या वेखद्या जो रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने तो मैं इस गल की बड़ी खुशी हुई भी साड़ी पार्टी का एक नामवर मैंबर
अज रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनया है। मैं इतने रामगढ़िया बरादरी दियां बहुत बड़िया शख्सियतों नूं इत्थे चेयरमैन बनते आया वेख्या, तो इन्हां नूं उत्थे जद बनाए गए चुने गए तो वह भी घोल पूरा होया सी, पर अपनी सियाणप और दूरअंदेशी दे नाल वो एक बार नहीं दो बार चेयरमैन बने। मैं तकरीबन दो महीने पहले उन्होंने टैलीफोन की सी, टैलीफोन चुकी नहीं, तो मैं क्या यार गल कि सेहरा साहब ने मेरा टैलीफोन नहीं चुकया। दूए दिन मैं टैलीफोन आया कि प्रधान जी मेरी तबीयत थोड़ी ढिली सी, इसलिए मैं टैलीफोन थोड़ी उस वक्त नहीं चुकी। जड़ी गल मैं की कह लगे तुसी बेफिक्र हो, 10-15 दिनों के मैं बिल्कुल ठीक हो के थोड़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के काम करांगा। फिर दोबारा की मैं कहने के बस थोड़े दिन की कसर है, पर पिछले हफ्ते अमरजीत सिंह मल्ली का टैलीफोन आया भी सेहरा साहब चले गए। मन को बड़ा अफसोस होया है। सरदार साहब ने बहुत सारे गुरबाणी के उपदेश दिते, संदेश दिते। मैं सिर्फ इतनी बेनती करनी चाहता वा कि सेहरा साहब ने अपने कौम की एक किस्म की अगवाई की है। पिछे परिवार को मैं बेनती करांगा कि उन्हां दा फर्ज बनता है कि उन्हां दी विरासत नूं अगे लैके जावण। एक जिहड़ा गुरु ने रस्ता दसिया उस रस्ते ते चलण, बाणी और बाणे दे नाल जुड़न, ते अपने बाप दादा दी कमाई हुई कमाई नूं अगे लैके जावण। उहदे च किसे किस्म दा खिन्ना पवे। मैं समझदा कि अज सारी संगत दे विच कोई कौन कसर होएगी उसनूं प्रवान करदे होए ये अपने पिता नूं अपने गुरु नूं प्रति श्रद्धा ते सत्कार भेट करनगे। इन्हां लफ्ज़ां दे नाल मैं परिवार दे नाल हमदर्दी जतांदा होया अकाल पुरख की अरदास करदा सच्चे पातशाह। फिर भी ये संसार यात्रा करदे होया किसे किस्म दी भुल चुक हो गई होवे उन्हां नां चितार दे अपने चरणा समान बख्शन, पिछे परिवार नूं भाला बणन दा बख्श बख्शन और सिक्खी दी दात बख्शन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। सो बहुत लंबेरे समय तो सेहरा साहब जो कि डायरैक्टर मेरे हिसाब ना शायद 89 तो डायरैक्टर सन, मैं हैप्पी उन्हां नूं पुछ सकदा 89 तो डायरैक्टर, उस तो बाद वाइस चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन रहे हैं। सो मैं हुण बेनती करांगा क्योंकि इस बाबत ज़्यादा जानकारी बलदेव सिंह जी डायरैक्टर रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक वो आ जाए आके सरदार अजीत सिंह सेहरा जी होरां दे मैं श्रद्धा दे फुल अर्पित करके सरदार बलदेव सिंह जी डायरैक्टर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जोरी साजी नवाजी परम सत्कारयोग गुरु प्रसाद संगत जी फतेह की सांझ पाउणी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं सारे सचखंड वासी साजी सिंह सेहरा जी की अंतिम अरदास में शामिल होने लई एकत्र होए हां। मरण लिखाए मंडल में आए, बहुत ही छोटी उम्र विच जितना समा सतगुरों ने बख्शा सी वो पूरा करके गुरु महाराज के चरणा जा बिराजे हैं। हुण गल करिए साहिब अजीत सिंह सेहरा दी। मैं समझदा किसी किसी इंसान का सतगुरु की कृपा होंदी है वो उत्ते अपनी सारी जिंदगी जिसने सेवा लई लगा दिती। मेरा साडा कोई साथ कोई 20-22 साल तो उन्हां दा साथ रहा हैगा जदों रामगढ़िया बैंक के आए। पहला वो डायरैक्टर के तौर पर आए, काफ़ी साल डायरैक्टर रहे, उस तो बाद दो टर्म वो वाइस चेयरमैन की सेवा निभाई उन्होंने, हुण पिछले 3 साल तो चेयरमैन साहब की सेवा निभा रहे हैं। उसके अलावा संसार समाज में उन्होंने जो सेवा कीतियां उन्हां दी लियाकत सी, उन्हां दा जज्बा सी, कम करन दा ढंग सी। वो नॉमीनेट होए
साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन साड़ी एक फैडरेशन है कोऑपरेटिव बैंक्स की नैफ कैब वो पहला सैकटरी रहे अजक वाइस चेयरमैन सन सारे दिल्ली के कोऑपरेटिव जितने बैंक हैं वो वाइस चेयरमैन सन दिल्ली सिख सैल माइनोरिटी कमीशन के मैंबर रहे वो जो मिलते जो गल करते किसी न किसी काम च रुझे होंगे सी लोगों के काम कर सेवा कर हुण हालांकि कुछ महीनों तो तबीयत ढिली सी लेकिन वो बावजूद भी वह काम च लगे रहिंदे सन फिक्र करते सन कोई काम किया जाए वो पहल के तौर पर उन्होंने करने की कोशिश करते सन ऐसे एक साढ़े पुरुषार्थ जो एक साढ़े लीड कर रहे सन उन्होंने जान नाल एक समाज में सिख समाज में बिरादरी ना पूरा होने वाला घाटा पिया है सतगुरु के चरणों में अरदास ही कर सकते हैं असी उन्हां दी श्रद्धांजलि तो सच्ची यही है भी उन्हां दे पाए पूरियां ते चलिया जाए खास तौर पर परिवार लई श्रद्धांजलि की है एक अपने विछड़े हुए बंदे शुभ कमर अगे लैके जाना उही श्रद्धांजलि सच्ची गिणी जाती है समां दी मैनूं देखना पैंदा समां इतना इजाजत नहीं दिंदा यादा बहुत ने उन्हां दीआं उन्हां नाल जो समां बिताया साढ़े नाल असी उन्हां नाल समां बिताया साढ़े रामगढ़ी कोऑपरेटिव बैंक के सारे डायरैक्टर साहबान स्टाफ इत्थे हाजिर है साढ़े उन्होंने वाइस चेयरमैन की सेवा निभा रहे सन बीबी रणजीत कौर दिल्ली सिख मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैं वो किसी कारण आ नहीं सके पटना साहब गए हैं उन्होंने वालों भी श्रद्धांजलि दी जाती है मैं रामगढ़ी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वालों सारे शेयर होल्डर्स वालों तो स्टाफ वालों उन्होंने श्रद्धांजलि देंदे हां सतगुरु के चरण च अरदास है सदीव कार लिए अपने चरणा च निवास बख्शन अगे पिछे परिवार को पाणा मनण का बल बख्शन वैसे दुनियावी तौर पर यही कहा जा सकता है कि उन्हें जान का समा नहीं सी लेकिन जो हुक्म सतगुरु का वह पाणा मनना ही पैंदा है मैं फिर सारे का धन्यवाद करदा सारे रिश्तेदार संगतों का वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक बैंक वालों शोक संदेश भी है रेजुलेशन वाया उन्होंने अकाल चलाने ते वो मैं परिवार नाल सांझे करदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैं ग्रंथी साहबान पूछ रहे थे कि प्रसाद की वरताओं कर दी है मैं कहा नहीं सारे असी सेरा साहब के इस दुख की घड़ी में शामिल होए हाँ तो सानू सारिया पता भी मान सम्मान लिए आपां कुछ समा इत्थे बहना जरूरी भी है जे इन्ने तहे दिल नाल असीं आए हाँ तो कुछ दो चार मिनट होर बैठन नाल कोई इहो जिहे कम्मां दी घाटता नहीं पै जानी सो बेनती नूं प्रवान करना प्रसाद लैण तों बाद फिर जाण दी खेचलता करनी क्योंकि बहुत साडे विच बुलारे पहुँचे ने सारिआं नूं तो मैं समा नहीं दे सकदा पर कुछ साडे च पहुँचे जरूरी नूं उहनां देणा पवेगा सो मैं हुण बेनती करांगा डॉक्टर दयानंद जी चंदेला जो साडे एरिए दे XML भी रहे ने पर हुण प्रेजेंट उन्हां दी वाइफ धनवंती चंदेला जी MLA ने बेनती करांगा दयानंद चंदेला जी वो आके दो शब्द अजीत सिंह सेरा जी होरां जी दी इस अपने फुल पेट करनगे दयानंद चंदेला जी आदरणीय सत्संग जी आज हम प्रिय सरदार अजीत सिंह सेहरा जी जिन्होंने बहुत ही अलग आयु में धर्म समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बहुत ही सराहनीय कार्य गृहस्थ में रहते हुए करते हुए आज हमारे बीच नहीं हैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हे गुरु महाराज उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे सभी मित्र संबंधी और सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे और जो स्थान रिक्त हुआ है किसी और आदरणीय महानुभाव में ऐसे ही गुण पैदा करके इस रिक्त स्थान की पूर्ति करे वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी के फतह तो बेनती करूँगा कि एक एक दो दो मिनट वास्ते दो तीन बुला रहे ने ओ प्लीज़
समय का ध्यान रखन दो दो मिनट वास्ते। हुण मैं बेनती करांगा सुखदेव सिंह जी रायत नैशनल प्रेजिडेंट ऑल इंडिया रामगढ़िया फैडरेशन सरदार सुखदेव सिंह जी रायत। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संघ जी आओ सब तो पहला गुरु साहब की बख्शी फतेह सांझी करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। सो साध संघ जी अगर अजीत सिंह सीरा साहब के जीवन की असी गल करिए ते मैं समझदा हाँ कि वह अपने स्वासां दी पूंजी नूं सार्थक करके गए हैं। जिथे वह अपनी संसारक पदार्थ इत्थे छड्ड के चले गए हैं जिस तरह की सारी दुनिया ही जाती है, लेकिन मैं ये समझदा हाँ अगर मैं उन्हां दी जिंदगी का निचोड़ कढ़ा ते वह धर्म कर्म अते पुन दी बेअंत पूंजी अपने नाल लै के गए हैं। रामगढ़िया बैंक की सेवा करदे हां उन्होंने रामगढ़िया बैंक दे जिहड़े कमजोर वर्ग दे परिवार सीगे उन्होंने इन्नी सेवा की है। मैं समझदा कि उन्होंने जान नाल रामगढ़िया बरादरी नूं बहुत ज़्यादा घाटा पिया है, ये कदी ना पूरा होने वाला घाटा पिया है। बाकी जाना सब ने है, राम गए हो रावण गए हो जा का बहु परिवार कहो नानक थिर कुछ नहीं सुपने ज्यो संसार। लेकिन दुख है तो उन्हां दी उम्र का दुख है, अजे उन्हां दी कोई जान दी उम्र नहीं सी, लेकिन परमात्मा दी लीला है असी इहदे विच कर भी की सकते हाँ। परमात्मा दे कम परमात्मा ही जानता है कदों उसने किसी नूं बुला लेना है अते कदों किसी नूं नहीं बुलाना या कदों की पाना बरताना है, ये सब उस परमात्मा दे लेखे विच ही आउंदा है। आपे जाने करे आपे आने रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सो साध संगत जी सानूं अरदास दा हुकम है, अरदास असी कीती है बहुत वड्डी गिणती विच संगती रूप विच अरदास कीती है। मैं समझदा हाँ कि सच्चे पातशाह परमात्मा साडी अरदास जरूर कबूल करनगे। सरदार सीरा साहब नूं अपने जरूर चरणा विच सदीवी काल वास्ते निवास बख्शणगे। टाइम बहुत हो गया है, कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो निवेड़ा, अब की बार बख्श बंदे को बहु न पौ जल फेरा। अंत विच मैं ऑल इंडिया रामगढ़िया विश्वकर्मा फैडरेशन वालों परमात्मा के रूप में बैठी साध संगत नमन करता होया उस दिवंगत आत्मा नूं शरदा के फुल भेट करदा हाँ अते परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि हे परमात्मा उस विछड़ी रूह नूं उन्हां दे जीवन विच होईआं भुल्लां चुक्कां नूं ना चितारदे होए अपने चरणों में निवास बख्शना, पिछे परिवार को भाणा मनने का बल, अपने चरणों की प्रीति और चढ़दियां कलां बख्शनिया। ये लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला। भुल्लां चुक्कां की जरूर खिमा बख्शना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो बेनती है कि साडे विच प्रेम चौहान नेता विपक्ष MCD वह भी दो मिनट लिए समय का ध्यान रखा जाए। प्रेम चौहान जी वो पहुँच जाण और साडे विच बहुत ही सत्कारयोग हस्तियां पहुँचियां ने सुनील चड्डा जी कौंसलर साहब, सतपाल पाली जी कौंसलर साडे एरिए दे विशाम नगर तो, अमन सूदन जी टगोर गार्डन तो पहुँचे ने, सरदार अमरजीत सिंह जी मल्ली प्रधान
गुरद्वारा सिंह सभा शाम नगर। मैं बेनती करांगा दो मिनट प्रसाद लैन तो बाद फिर जाने की खेचलता करनी जी। प्रेम चौहान जी। सभी संगत को सत श्री अकाल। मुझे बहुत गहरा दुख है। मैं उन्हें पिछले 3 साल से मेरे साथ वो कार्य कर रहे थे, लेकिन वाहेगुरु जी की इच्छा के आगे किसी की चली नहीं है। मतलब मैं कल हमारा सदन था, उसमें भी मैंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल भी मैं काफी भावुक था, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति थे वो, हम काफी लोग हैं उसमें, बड़े भाई की तरह जो भूमिका निभाई मेरे साथ, मैं उनसे हमेशा पूरा पकड़ के, जिसे जेठ भर के कहते हैं, ऐसे मिलता था। मैं काफी दुख में रहा इसमें। वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें श्री चरणों में स्थान दें और हम सबको साथ में उनके परिवार को जो क्षति हुई है इसका दुख सहने की शक्ति दें। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों उपलब्धियां हासिल की, उसको अब हम सबके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि उन्होंने जो किया उसको आगे बढ़ाया जाए, उनके परिवार की भी जिम्मेवारी है। बस वाहेगुरु से प्रार्थना है कि हम सब पे कृपा करें और इस सबको आगे बढ़ाने में हम सबकी मदद करें और हमें ये दुख सहने की शक्ति दें। सो मेरे पास कई सभावां दे, कई सोसाइटियां दे भी शोक संदेश पहुंचे ने। सो साडे विच अमरजीत सिंह जी मल्ली प्रधान गुरद्वारा सिंह सिंह शाम नगर भी पहुंचे ने। सरदार दलीप सिंह जी गुरु नानक कॉन्वेंट स्कूल तो, और सरदार दविंदर सिंह जी चाना जथेदार साहब, पुनीत सिंह एपी केवल वाले भी पहुंचे ने साडे विच। सरदार तेजपाल सिंह जी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साबका मैंबर साहिबान वो भी अपनी श्रद्धा के फुल लग पहुंचे ने। और तरसेम सिंह जी धर्म प्रचारक कमेटी वो भी पहुंचे ने साडे विच, लेकिन समय की घाट करके जा चुके ने। और जसमीत सिंह जी प्रधान गुरद्वारा शिवाजी कलोनी उन्हां दी पूरी कमेटी जो कि शोक संदेश पहुंचिया। और सरदार अमोलक सिंह जी, मनमोहन सिंह जी प्रधान साहब गुरद्वारा सिंह सभा विष्णु गार्डन मेन, उन्हां दी कमेटी वालों भी मेरे वाले शोक संदेश पहुंचिया। और सरदार गुरदीप सिंह जी सैंपी साहब चंद्र विहार तो, और रजिंद्र सिंह जी पनेसर जो कि काफ़ी समा सेरा साहब के नाल उन्होंने गुजारिया भी साढ़े पहुँचे ने। तो समूह बैंक स्टाफ रजिंदर कौर मैनेजर साहब जो विष्णु गार्डन तो भी पहुँचे ने। सो बीर जी बलदेव जी, बलदेव सिंह जी जिथे गुरद्वारा बुढ़ा साहब तो प्रधान साहब वो भी पहुँचे ने। और नथा सिंह जी विष्णु गार्डन तो वह भी साढ़े पहुँचे ने। होर भी सिंह सभावां दे मैंबर कई साढ़े पहुँचे ने। सो मैं सारिआं दा नाम लैण लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं बेनती करांगा कि साढ़े पंथ परमानंद एक सरदार जरनैल सिंह जी एक्स एम एल ए, मैं भी चाहवागा वह भी 2 मिनट, क्योंकि उन्होंने योग विचार और समय की सरदार जरनैल सिंह जी आप जी कृपा ध्यान रखना जी। सतपाल सिंह जी सबका मैंबर त्री नगर तो भी साढ़े पहुंचे ने, भी श्रद्धा के फुल लग अर्पित करने ने। सरदार जरनैल सिंह जी एक्स एम एल ए कलयुग के भेद नाम के जहाज, हलत पलत के राखे दीन दुनिया के वाली, हाजरा हजू जाहरा जहू सर्व कला भरपूर, शब्द गुरु ज्ञान गुरु खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, तख्त ते सुभाए मान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन गोद दा निघ मान रही साध संगत जीओ। आओ उदास दी फतेह दा जवाब गज वज के दिओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समा बहुता नहीं, बस 2 लाइनां कह दिंदे आ। समाजिक जीवन दे विच आया मैल लगती है, ये सच है। जदों समाजिक जीवन विच बंदा विचरदा है, कई तरह के मनमुटा, कई तरह दियाँ विरोधतावान, कई तरह की मैल लगती है, पर कुछ होंगे ने जो अपने समाजिक जीवन के विचरते हुए हरेक तो प्यार लै जाते हैं, निमाणापन रखते ने, निम्रता रखते ने। मिठत नीवी नानका,
गुण चंगियाइया तत्त। वह एक ऐसी शख्सियत सी जे उत्थे किसे गुरद्वारा साहब का इलैक्शन भी है, भावें एक पक्ष है, दूजा पक्ष है, भावें तीजा पक्ष है, वह कहिंदे सी इन्हां नूं बना दिओ कमेटी का जिहड़ा इलैक्शन कराएगा, उन्हों भी मंजूर, उन्हों भी मंजूर, तो उन्हों भी मंजूर। ऐसी एक शख्सियत जिहड़ा सारयां दा भरोसा लै जाए, सारयां दा इतबार लै जाए, सारयां दा प्यार लै जाए, ऐसी वो एक शख्सियत सन। दास नाल जदों उन्हां दे नाल मुलाकात हुई, उन्हां नूं कौंसलर की टिकट भी दास ने कोशिश की वो मिली, पर एक भाणा वरत्या, फिर वो बाद चों नॉमीनेटड मैंबर के तौर पर आए। मैं एक ही गल कहांगा कि जिहड़ा ना भोले पाए मिले रगराया, वह भोला भाओ समाजिक जीवन च विचरदे हुए अपने दिल विच बना के रखना, यही पूंजी है, यही रास है जिहड़ी जानी है। इतने कु बचन कहिंदा होया मैं फतेह खजाना, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो साध सिंह, एक दो मिनट की गल होर है, साढ़े बच्चे सतपाल पाले जी जो कौंसल साहब पहुँचे ने, होर भी मैंबर हरविंदर सिंह पप्पू जी शामना कमेटी तो, मक्खण सिंह जी मैंबर साहबान, होर जो बहुत प्रमाणित हस्तियां पहुँचिया ने, जो मैं सारे का नाम लैन लगा बहुत टाइम लग जाएगा। सो साढ़े बच्चे जो कि सेरा साहब के निमित्त कुछ कुछ सोख संदेश पहुँचे ने, उजल विवेशिया तो शाम नगर तिलक नगर तो उन्होंने भी अपना संदेश दिता, तो जामिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उन्होंने भी शोक संदेश पहुँचा, सिख बंधु वैलफेयर ट्रस्ट एन जी रोड न्यू दिल्ली तो उन्होंने वालों भी सक्सेस शोक संदेश पहुँचा, रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली हरिनगर उन्होंने वालों भी पतवंत संचर पहुँचे ने, शोक संदेश सिरा साहब वास्ते पहुँचा, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड उन्होंने भी मैंबर साहबान पहुँचे ने, उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुँचा, दिल्ली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशंस उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुँचा, ऑल इंडिया रामगढ़िया विश्वकर्मा फैडरेशन रजिस्टर्ड जिन्हों के प्रेजिडेंट साहब बोल के भी गए हैं सुखदेव सिंह रियात, उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुँचा, जामिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उस तो बाद सरदार जरनैल सिंह जी जो कि तिलक नगर तो MLA ने, उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुँचा, और ज्ञान ज्योति मॉडर्न स्कूल उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुँचा, निज थाऊ गुरद्वारा बाबा बुढ़ा साहेब जी सुभाष नगर नवी दिल्ली उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुँचा, अंकुल सिंगल जी उन्होंने वालों भी साध संगत जी प्रसाद प्ली साध संगत जी एक सैकंड बेनती प्रवान करना, एक सैकंड बैठ जाओ, गुरु साहब के स्वरूप अपने इस स्थान तो निज स्थान वाल प्रवान गए, उन्होंने सत्कार वजो आप जी दो मिनट लिए बह जाओ। भुल्लर साहब मैं बेनती करता कि गुरद्वारा साहब गुरु तेग बहादुर साहब के दर तो हजूर पातशाह तख्त से सवाए मारने, जब तक वो अपने निज स्थान पर नहीं जाते सानू उन्होंने सत्कार वजो दो मिनट बहना बैठना पेगा, बेनतीदार प्रवान करना। अंकुश सिंगल जी मनोनी सदस्य निंग प्रसाद उन्होंने वालों पहुंचे, द वाइंस द कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उन्होंने वालों भी शोक संदेश पहुंचे, जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दरियागंज तो वह भी पहुंचे, किरण चड्डा जी निगम पार्षद वो साढ़े सुनील चड्डा जी साढ़े पहुंचे ने, मैं समा नहीं दे सकांगा, और गणेंद्र जी निगम पार्षद होर भी कई नौ सदस्य पहुंचे ने। सो मैं परिवार वालों बीबी सेहरा जी वालों और पुत्र सरदार रशमीत सिंह जी सेहरा वालों जो भी इस परिवार के दुख की घड़ी शामिल होने वास्ते पहुंचे, तहे दिल ना परिवार उन्हों का धन्यवाद करता, क्योंकि किसी के दुख में दुख वटाया जाए दुख घटता है, सुख सुख वधदा। सो परिवार वालों बेनती है कि आप सारिया ने लंगर छक के फिर आप अपने निज कमां नूं कारां नूं करन चलन वास्ते कृपालता करनी, पहला आप जी ने लंगर सुखवादा जो कि इत्थे नाल ही लंगर है वो छक लैणा, परिवार वालों बेनती है। सो असीं एक बार फिर अजीत सिंह सेहरा जो अशमीत सिंह सेहरा जो कि उन्हां दे बेटे ने, असीं उन्हां नूं वी कहना चाहांगे वी तुसीं भी अपने पिता वांग समाज की अगे उक सेवा करने वास्ते अपना समर्पण करो। सो हजूर दे सुखासन हो चुके ने, अरदास वजो सावधान होना है, उपरंत तो गुरु हुक्म अग्ञा अनुसार फिर आप जी ने अपने कामों कारों चाले पौन दिखे चलता करने जी, बेअंत पुना जो गलत दिखे माँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।